सर माननी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। ये बेटी की आन बान और शान की लड़ाई है, ये इज्जत की लड़ाई है। प्रधानमंत्री जिसका बेटी ही नहीं, वो क्या समझेगा बेटियों की इज्जत को, क्या समझेगा योगी। देखो किसी के ऊपर एक मुकदमा अगर होता है तो वो सरकार में चपड़ासी भी नहीं बन सकता, ठीक है। और इसमें 40 मुकदमे हैं और ये सांसद बना रखा है। जब इन्होंने हिम्मत दिखाई तो 2 भी आएंगे, 4 भी आएंगे, 10 भी आएंगे, 20 भी आएंगी। यहाँ परिवार आदमी है, यहाँ 36 बिरादरी के आदमी है, क्या अपनी इज्जत को आप लेकर के अपने नीलाम करवाने बैठोगी इस पद में जा करके। जब ये कहता है कि मुझे मौत आ जाए, इसका मतलब गुनाहगार है। जनहित आवाज में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे पीछे वो पोस्टर देख सकते हैं, एक तरफ साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का मेडल है। एक लाइन से आप देख सकते हैं लगातार 43, 48, 43, इस तरीके से जितने इन लोगों ने मेडल जीते हैं सारी चीजें लिखी हुई। और एक तरफ आपराधिक इतिहास बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यहाँ पे लगभग 38 मुकदमे हैं। आप देख सकते हैं लगातार हम लोग इस वीडियो को, इसको हम इस पोस्टर को लगातार अपने वीडियो के माध्यम से, खबर के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं और जो बृजभूषण शरण सिंह है वो कह रहे हैं कि अब तो FIR भी दर्ज कर लिया गया है, अब ये लोग धरने पे क्यों हैं। आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो लगातार जो है एक ही सवाल उठा रहे हैं कि अब तो FIR दर्ज हो चुका है, अब ये लोग अपने घर जाए, और जब अगर प्रधानमंत्री और या JP नड्डा या गृह मंत्री अगर बोल देंगे कि हमें इस पद से इस्तीफा दे देना तो हम दे देंगे, लेकिन ये लोग यहाँ से चले जाए। जब 4 महीने पहले ये लड़कियाँ जब इन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, क्या तब से FIR दर्ज करी इन्होंने? जब तक ये लड़कियां इस सड़क पर नहीं बैठी, इस धरने पर नहीं बैठी, तब तक उनकी FIR दर्ज नहीं हुई। और ये को क्या सच्चाई है कि ये लड़कियां उठ जाए और वो अंदर चला जाए? अब तक क्या दिन हो गया FIR को? ये तो कोर्ट की FIR है, कोर्ट की FIR में भी अब तक वो सलाखों के पीछे नहीं गया। जब तक वो सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, जब उसे पद से मुक्त नहीं करा जाएगा, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि पहले ये लोग मुझे पद से हटाने की बात कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं जेल में डालो। ये लोग चाहते क्या है? ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ये यहाँ पर कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा, ये बेटी की आन बान और शान की लड़ाई है, ये इज्जत की लड़ाई है। ये किसानों की बेटी है जो आज यहाँ पर बैठी है, और 13 महीने जो हमारे किसान बैठे थे वहाँ पर, आज ये उन्हीं के बच्चे हैं। और ये कुछ भी हो जाए, जब तक उस पद से मुक्त नहीं होगा, मतलब सरकार किसी भी, आप ये देखो किसी के ऊपर एक मुकदमा अगर होता है तो वो सरकार में चपड़ासी भी नहीं बन सकता, ठीक है। और इसमें 40 मुकदमे हैं और ये सांसद बना रखा है। सरकार ऐसे ऐसे गुंडों को अपनी में भर्ती करके तो वो गंगा से धुल जाते हैं, वे बिल्कुल साफ हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, शर्म आनी चाहिए। अगर जनता ने उसे प्रधानमंत्री बनाया है, ये पद दिया है ना, तो इस देश की सुरक्षा के लिए दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि हमारी बेटियां जो हम, ये कोई आम बेटियां है, ये आम बेटियां थोड़ी ना, ये तो जब ये झंडे के नीचे खड़ी थी और उस दिन ये सेल्फी ले रहा था प्रधानमंत्री, क्या उसे शर्म नहीं आती सेल्फी लेते हुए? आज वे बेटी यहाँ धरती पर बैठी है और अब तक उसकी सुध नहीं लिया। वो कह रहे हैं कि पहले ये बोलती थी कि 100 लोगों के साथ शोषण किया है, फिर कह रही है 1000 लोगों के साथ शोषण किया है, मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूं। ये हिम्मत किसी में नहीं होती। जो इन दो लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है आकर के, ये हर बच्ची की हिम्मत नहीं होती। और ये शोषण ना, जिस क्षेत्र में आप लोग रहते हैं, ये हर लड़की के साथ हर जगह हो रहा है। ये जो लड़कियां आवाज उठा देती हैं तो कहते हैं कि इसमें 2 आगे, 4 आगे। जब इन्होंने हिम्मत दिखाई तो 2 भी आएंगे, 4 भी आएंगे, 10 भी आएंगे, 20 भी आएंगी, क्योंकि उन लोगों को वह बिचारी इतनी, आप ये बताओ कौन अपनी बच्चियों को भेज देगा इस फील्ड में? कौन भेज सकता है अपनी इस फील्ड में? क्या उन बच्चों को आज डर नहीं है जब इतनी मेहनत करके हम अपने बच्चों को आगे भेजते हैं? वो एक और बात कहे हैं कि उन्होंने कहा है बृजभूषण शरण सिंह ने कि देखिएगा इन लोगों का किसी न किसी राजनीति दल से जरूर संबंध होगा और ये लोग एक दिन राजनीति करेंगे। सरकार को एक ही काम है चुनाव, सरकार का एक ही काम है वोट,
उसे वोट बैंक चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि हर एक मुद्दे को, चाहे वो कितना भी गंभीर मुद्दा हो, उसको अपने पार्टी से जोड़ दो, है ना, विपक्ष से जोड़ दो, और इन सब चीजों से जोड़ने के बाद इनका पीछा छूटने वाला नहीं है। कभी ये सोच रहे हो कि ये राजनीतिक मुद्दा है, तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत, जो आज यहाँ पर सब पूरा संगठन बैठा हुआ है, ये इनका इलाज मान देगा। ये कह रहे परिवारवाद कर रहे हैं ये लोग, ये यहाँ परिवारवाद नहीं है, यहाँ 36 बिरादरी के आदमी है, ठीक है, और जो इन बच्चों को समर्थन दे रहे हैं, जिसके दिल में इस देश का प्यार नहीं, जो अपनी बेटियों से प्यार नहीं करता, वो यहाँ पर नहीं आएगा। पीटी उषा के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना है। उन्होंने कहा है कि सड़क पे इन्हें आंदोलन नहीं करना चाहिए। देखो ये है राजनीतिक, ये है राजनीति, वो जहाँ पर है वो खेल रही है राजनीति, ये बच्चे राजनीति नहीं खेल रहे। कोई भी, आप भी अपने, आप भी किसी की बेटी है, क्या अपनी इज्जत को आप लेकर के अपने नीलाम करवाने बैठोगी इस पद पे जाकर के? आप बताओ, आप ही जवाब दो। प्रधानमंत्री जिसका बेटी ही नहीं, वो क्या समझेगा बेटियों की इज्जत को, क्या समझेगा? योगी परिवार के परिवारवाद बता रहे, ये परिवारवाद बता रहे। मोदी की क्या गलती है इसमें? मोदी की क्या गलती? यूं गलती नहीं है, ये बच्ची जो है ये देश की बच्ची नहीं है। जब ये पद लेके आती है, जब ये सैलरी लेते हैं उनसे, तब वो इनकी बच्चियां नहीं होती, तब ये बच्चियां नहीं होती। ये बच्ची किसकी है? ये देश की बच्ची है, और ये देश के लिए मेडल लेके आती है, ना कि अपने परिवार के लिए मेडल लेके आती है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। भूषण शरण सिंह ने कहा है कि अगर मोदी जी कह देंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा देने से बात नहीं बननी। हाँ तो मोदी जी कहेंगे नहीं ना, मोदी जी को इतना बड़ा डर है, मोदी जी कह ही नहीं सकते, मोदी जी नहीं कहने वाले, क्योंकि मोदी जी की तो डरते हैं। मोदी जी कह ही नहीं सकते कि भी तुम अपने पद से दे दो, वो तो अभी भी बयानबाजी कर रहा है, तो मोदी का डर कहाँ है? उसे डर ही नहीं है। इस्तीफा की बात मैं बताऊंगा। हाँ, बताइए। वो इस्तीफा इसलिए कह रहे हैं कि धरना मत दो, अगर खिलाड़ी धरना हटाते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसका मतलब ये है कि मेरे बारे में ब्रॉडकास्ट नहीं हो, कुछ मेरे खिलाफ नहीं हो। और दूसरे एकड़ीबाजी में ये कहता है कि मैं अपराधी बन के इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं लाचार हूँ, मैं बेचारा हूँ, मुझे मौत आ जाए। जब ये कहता है कि मुझे मौत आ जाए, इसका मतलब गुनाहगार है, उसका मतलब गुनाहगार है ना। आपने कहा कि उसका नस दबा के रखा हुआ है, क्या मोदी जी डरते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 2024 आने वाला है। वोट बैंक चाहिए, वोट बैंक, चाहे बेटियों की इज्जत नीलाम हो जाए, चाहे ये देश बर्बाद हो जाए, चाहे किसान बर्बाद हो जाए, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो चुनाववादी है और चुनाववादी है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वोट बैंक चाहिए, उसी तरह से वो लोग भी कह रहे हैं कि सब लोग वोट बैंक कर रहे हैं इनके। आप एक बार, राजनीति एक अलग चीज है। आज इन बच्चों के लिए अगर कोई विपक्ष भी यहाँ पर समर्थन देने आता है, तो उनके लिए भी कल बोला जाएगा क्यों नहीं आए थे वे, क्यों नहीं आए थे वे। सोनिया गांधी, वो क्या नाम है, प्रियंका गांधी अगर यहाँ पर आई है, तो वो एक नारी शक्ति है, ठीक है, वो नारियों का सम्मान के लिए आई है, उसको क्यों जोड़ा जाता है राजनीति में? बबीता फोगाट को आप जानती होंगी, बबीता फोगाट ने ये बयान दिया था कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। सब ने, बुद्धिजीवी, अगर बबीता फोगाट ने बोला, तो यहाँ इतने सारे जो पहलवान आ रखे हैं, जिन्होंने समर्थन दिया है, और आज का समर्थन देख लेना कि खिलाड़ियों ने अपने खून से नाम लिख के, और वो आपने पोस्टर देखा होगा अभी, ठीक है, वाराणसी से आया हुआ है, तो समर्थन क्या वे खिलाड़ी नहीं दे रहे? एक विनेश, वो क्या नाम है, बबीता फोगाट ऐसी हो जाती है कि अगर उसने बोल दिया तो बस वही सच हो गया। देख सकते हैं लगातार लोगों में रोष है।